हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग ग्लैंड्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो ग्लैंड्स में हम लोगों ने लाल ग्रंथि पढ़ी, जठर ग्रंथि पढ़ी, उसके साथ में हम लोगों ने कल देखा था अग्नाशय। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यकृत, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लीवर। अब हमारी लीवर है वह अपन चाहे एक्सोक्राइन की बात करें चाहे एंडोक्राइन की बात करें, दोनों ग्लैंड्स में से सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है वो लीवर होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि लीवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। उसके बाद में हम बात करेंगे इसका ओरिजिन कैसा होता है। तो इसका ओरिजिन होता है एंडोडर्मिक, मतलब भ्रूण की एंडोडर्म परत से इसका उत्पत्ति होती है। फिर यहाँ इसके वेट की बात करें तो मैंने यहाँ पर 1500 ग्राम लिखा है, कुछ बुक्स में आपको 1.5 किलोग्राम भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद हम बात करें इसका कलर कैसा रहेगा, तो कलर चॉकलेटी होता है। और आपको अच्छे से पता है कि आप लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया था, उसमें डायफ्राम बनाया था। तो डायफ्राम के लेफ्ट साइड में आप लोगों ने अमाशय बनाया था और राइट साइड में आपने यहाँ हमारे लीवर बनाया था। ठीक है, तो आपको डायग्राम से भी क्लियर हो रखा है। और यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि फाउंड इन द राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के जस्ट नीचे और हमारी एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में ये पाई जाती है ग्लैंड। ठीक है, अब इस ग्लैंड को और किन किन नामों से जाना जाता है। इस ग्लैंड को रासायनिक कारखाना कहा जाता है, हमारी बॉडी की केमिकल फैक्ट्री। हम लोग जो इसके फंक्शन देखेंगे लीवर के, तो लीवर में मतलब बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट होते हैं, मतलब बहुत सारे फंक्शंस हैं वो किए जाते हैं। तो इन फंक्शन से हमारा लीवर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन हो जाता है हमारी बॉडी का। तो लीवर है वो हमारी रासायनिक कारखाना भी कहला रहा है और व्यस्तम बंदरगाह भी इसको बोला जाता है। तो अपने वो क्वेश्चन ज़्यादातर लार्जेस्ट ग्लैंड का पूछा जाता है कि हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, तो वो है लीवर। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कि ये संरचना में कैसा होगा। यह संरचना में द्विपालित बताया था मैंने आपको, द्विपालित का मतलब है इसमें दो लॉब पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लॉब्स मैंने डिवाइड किए और द्विपालित लिखा है, लॉब्स राइट लॉब और लेफ्ट लॉब। राइट लॉब है वो थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट लॉब है वो छोटा होता है। मतलब 5/6 मतलब पाँचवा हिस्सा, छः में से पाँचवा हिस्सा है वो कौन बनाने का काम कर रहा है, राइट लॉब। और उसमें से सिर्फ एक हिस्सा है वो कौन बना रहा है, हमारे लेफ्ट लॉब बना रहा है। ठीक है, अब राइट लॉब और लेफ्ट लॉब है इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक लिगामेंट पाया जाएगा। इस लिगामेंट का नाम है पेल्सिफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, अब हम लीवर के साथ में हम लोग गॉल ब्लैडर की स्टडी भी करते हैं। तो गॉल ब्लैडर कहाँ बनाया था हम लोगों ने, राइट साइड में बनाया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायग्राम देखें, ये मैंने राइट साइड बनाया इतना और ये हमारे लेफ्ट साइड है। अब राइट साइड में यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, गॉल ब्लैडर पाया जाता है। गॉल ब्लैडर को हिंदी में कहा जाता है पित्ताशय। अब पित्ताशय कहा जाता है, अब ध्यान में रखना कि बाइल जूस या पित्तरस, जिसको बाइल जूस को पित्तरस कहा जाता है, वो फॉर्मेट तो कहाँ होता है, मतलब बनता तो क्या है हमारे लीवर में, लेकिन स्टोर कहाँ होगा, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, कोई पूछे कि बाइल जूस कहाँ बनता है, तो ये मत लिखना कि ये हमारे यहाँ गॉल ब्लैडर में बनता है। ये बनता तो लीवर में है लेकिन स्टोर कहाँ होता है, वहाँ गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर में वो लाइट ग्रीन कलर का पाया जाता है, उसके साथ में बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है और यह क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है। तो आपको ध्यान में रखना है किसका काम। फिर ये आपको राइट लॉब और लेफ्ट लॉब आराम से दिखाई दे रहा है। उसके साथ में मैंने यहाँ पे जो बीच में लिगामेंट स्ट्रक्चर बनाई है उसको बोलता है पेल्सिफॉर्म लिगामेंट। इसका काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों लॉब्स को मिलाने वाली लिगामेंट है वो कौन सी है, यहाँ पे पेल्सिफॉर्म लिगामेंट। उसी के साथ में हम बात करें कि यहाँ पे गॉल ब्लैडर से एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है। ठीक है, एक नलिका निकल रही है जो आगे जाके ड्यूडेनियम से मिलेगी, तो उसको बोलते हैं हमारे सिस्टिक डक्ट। तो आप ध्यान में रखिएगा, इसको पित्ताशय वाहिनी या सिस्टिक डक्ट भी कहा जाता है। अब आपको यदि कन्फ्यूज लग रहा है कि मैम QL और CL है वो क्या है, तो वो मैं आपको डाउट क्लियर कर देती हूँ। राइट लॉब को हम लोग यदि है ना सुपीरियर देखें, तो सुपीरियर से तो हमें डायग्राम में सिर्फ दो ही लोब दिखाई देंगे, एक लेफ्ट और एक राइट। अब इन दोनों को हम लोग यदि इन्फीरियर, मतलब हम पीछे वाले हिस्से से देखें इसको, तो इन्फीरियर हिस्से पे क्या हो गया, हमें ये दो लोब और दिखाई देंगे, जिसको कहेंगे क्वाड्रेट और कॉर्डेट लोब है वो राइट वाले हिस्से में ही दो इसके सब पार्ट माने जाते हैं। तो इस तरह आप कन्फ्यूज मत होइएगा, कुछ बुक्स में है कि चार लोब बताए गए हैं तो वो गलत है, लोब हमेशा दो ही होते हैं, राइट लोब को ही डिवाइड किया हुआ है और दो सब लोब्स में। ठीक है, उसी के साथ में हम लोग इस डायग्राम की स्टडी हम दो चार बार कर चुके हैं, तो उसको आपको मैं आज अच्छे से समझा देती हूँ कि यहाँ पे हमारी लीवर पोर्शन है। ठीक है, लीवर पोर्शन है
अब इस लीवर पोर्शन से एक डक्ट आ रही है और इस लीवर पोर्शन से एक डक्ट आ रही है। इस लीवर लोब से आ रही है तो ये राइट साइड है, तो राइट हेपेटिक डक्ट, मैंने कहा था हेपेटिक वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है, लीवर के लिए, तो यहाँ पे राइट हेपेटिक डक्ट, और ये लेफ्ट इससे आ रही है तो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है राइट। यहाँ पे कोई आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये जो दोनों डक्ट आके आगे एक ही डक्ट मतलब कॉमन डक्ट में मिलती है तो इसको अपनी कॉमन हेपेटिक डक्ट बोल सकते हैं। दोनों लीवर से आ रही है तो यहाँ पे कॉमन लीवर डक्ट या कॉमन हेपेटिक डक्ट हो गया। इसी के साथ में यहाँ पे गॉल ब्लैडर पाया जाता है, गॉल ब्लैडर से क्या आ रही है सिस्टिक डक्ट। अब यहाँ पे भी क्या पाया जाता है बाइल जूस, और यहाँ पे भी क्या पाया जाता है बाइल जूस। अब इन दोनों को कॉमनली यहाँ पे एक नलिका में खोला जा रहा है, इस नलिका का नाम क्या हो जाएगा कॉमन बाइल डक्ट, इसी में ये कॉमन होगी। अब ये कॉमन बाइल डक्ट है वो मैंने आपको कल बताया था कि स्फिंक्टर ऑफ गॉर्डन के थ्रू किसमें खुलेगी पैनक्रियाटिक डक्ट में। ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक डक्ट से पैनक्रियाज जूस आ रहा है, पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है, तो इन दोनों को यहाँ पर मिलाने वाला है जो स्फिंक्टर था वो स्फिंक्टर ऑफ गॉर्डन जो मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किया था आपसे। फिर यहाँ पे जो सबसे मेन यहाँ पे स्फिंक्टर है जो ड्यूडेनियम हिस्से में पाई जाती है उसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाइकी अवरोधनी। और यहाँ पे ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट है वो आपस में कॉमन मिलकर क्या कराती है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। आई होप आप लोगों को अब ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने दो वीडियोज में और पहले भी ये डिस्कस किया था, तो उस टाइम लीवर की स्ट्रक्चर मैंने नहीं समझा रही थी, आज मैंने आपको लीवर की स्ट्रक्चर और गॉल ब्लैडर की स्ट्रक्चर समझा के आपको ये डायग्राम है वो वापस समझा दिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे लीवर के लोब्यूल्स की। लीवर के लोब्यूल्स है वो पूरी पूरी लीवर को स्ट्रक्चर बनाने का काम करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे लीवर की स्ट्रक्चर की, तो लीवर की स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर। अब हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर में हम लोग देखेंगे कि लीवर किस चीज़ से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, एक पॉलीगोनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेप्टिक लोब्यूल। हेप्टिक लोब्यूल का मतलब हो गया यकृत पिंडक। अब ये यकृत पिंडक है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लीवर के, मतलब हमारे यकृत की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है वो क्या हैप्टिक लोब्यूल्स है। हेप्टिक वर्ड है वो लीवर के लिए यूज हो रहा है, लोब्यूल का मतलब पिंडक यकृत पिंडक। अब इसके स्ट्रक्चर है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलकर लीवर की संरचना का निर्माण करती है। अब संरचना ये संरचना में आपको बेंजीन लाइक पॉलीगोनल बहुभुजीय संरचना दिखाई दे रही है। अब ये बहुभुजीय संरचना देखिए आपको ये बाहर की तरफ से एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। अब ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है ग्लीसन कैप्सूल। अभी जो ग्लीसन कैप्सूल है वो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है जिससे ये क्या रहेगा पूरा का पूरा लोब्यूल है वो कवर्ड रहेगा। तो आपको ध्यान में रखना है ग्लीसन कैप्सूल है वो इसको पूरे को पूरे कवर करके रखेगा ग्लीसन कैप्सूल। अब इसके बीच में सेंट्रल वेंस पाई जाती है जो मध्य शिरा पाई जाएगी। तो यहाँ पर मध्य शिरा को एक बार यहाँ छोड़ते हैं क्योंकि इसका काम है जब आप लीवर के फंक्शन समझेंगे उस टाइम आपको समझ में आ जाएगा। उसी के साथ में यहाँ पे आपको दोनों लाइंस बनी हुई दिख रही होगी, ठीक है। अब ये जो दोनों लाइंस है ये दोनों लाइंस है हमारे हेपेटोसाइट सेल्स की, हेपेटोसाइट सेल्स जिनको हम लोग लीवर सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियल प्लेट्स ऑफ हेपेटोसाइट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा लीवर सेल्स के यहाँ पे दो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स बनी हुई है। अब ये जो दोनों प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या करती है बाइल जूस को फॉर्मेट करने का काम। तो बाइल जूस सिक्रेटेड बाय लीवर सेल्स, मैंने यहीं पे आपको इसका फंक्शन लिख दिया। अब इन्हीं के बीच में क्या पाई जाएगी बाइल कैनिकुलाई, कैनिकुलाई है वो क्या होगी बाइल जूस को सिक्रेट करने का काम करेगी। तो आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा है फैट स्टोरेज सेल्स, इसमें कुछ फैट स्टोरेज सेल्स भी पाई जाएगी। ये सारे आपको फंक्शन में समझ में आ जाएंगे अच्छे से कि कौन सी चीज़ है वो क्या काम कर रही है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ध्यान में रखना है फैट स्टोरेज सेल्स है वो कहाँ पाई जाती है। अब जैसे कि आपको सेंट्रल वेन के दोनों साइड में यहाँ पे ये लाइन्स दिखाई दे रही है, अब इन्हीं लाइन्स के बीच में आपको कुछ खाली जगह दिखाई दे रही है। अब ये जो खाली जगह है इनको बोलते हैं हेपेटिक सिनोसोइड, हेपेटिक सिनोसोइड बोल लो चाहे शिरा पात्र बोल लो चाहे रक्त पात्र बोल लो, ठीक है। और ये बने किसके होंगे एंडोथेलियल सेल्स की बनी हुई स्ट्रक्चर्स रहेगी। अब ये खाली जगह है थोड़ी की थोड़ी इनको रक्त पात्र बोल रहे हैं। अब इन्हीं रक्त पात्र में यहाँ कुछ फेगोसाइट सेल्स पाई जाएगी जिनको बोलते हैं कुफर सेल्स। कुफर सेल्स आपको बनी हुई दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी क्या है कुफर सेल्स जो
मृत मृत आरबीसी और रोगाणुओं का भक्षण करने के लिए काम आती है, ठीक है। तो इनको फेगोसाइटिक सेल या मैक्रोफेजेस भी कहा जाता है, महाभक्षकाणु जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो फुटफेस आपको समझ में आ गया। फिर इन दोनों को मतलब एक रोड लाइक स्ट्रक्चर वो क्या करेगी, बांधे हुए रहेगी, इसको कहेंगे हेपेटिक कॉर्ड यकृत या जो। तो आपको फुफर सेल्स समझ में आ गई, हेपेटिक कॉर्ड का ये समझ में आ गया, सिनोसॉइड, सिनोसॉइड के अंदर ये फुफर सेल्स पाई जाती है। ये जो दोनों दोनों प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है उनको हेपेटोसाइड बोल रहे हैं। हेपेटोसाइड के बीच में बाइल कैनिकुलाई है, ये प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो इस साइड की आपके डायग्राम के नाम थोड़े से आगे होंगे, इसी के बेस पे आपको छोरी है वो मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगी। उसी के साथ में हम बात करें कि यहाँ पे ये जो गोला बना हुआ है, इस गोले में तीन आपको स्माइली लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। अब इन तीनों को क्या कहते हैं, पोर्टल ट्रायोड, जिनको हम निवाई का त्रिक भी बोल सकते हैं। अब इस निवाई का त्रिक में ये जो स्माइली लाइक दो आंखें एक मुंह बना हुआ है, उनको क्या कहा जा रहा है, तो उनको कहा जाता है ब्रांच ऑफ हेपेटिक वेन, वेन बोला जाता है सीरा को। सीरा क्या होगी, मतलब बाहर से कोई भी प्रचुर मात्रा में अशुद्ध रक्त पाया जा रहा है उसको यहाँ तक लेकर आने का काम, क्योंकि हम लोग इसमें स्ट्रक्चर में देखेंगे कि यूरिया का फॉर्मेशन है वो लीवर में किया जाता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा वेस्टेज मटेरियल को इस वेन के द्वारा यकृत में लाया जाएगा। एक्सक्रीट आउट किडनी से होता है, लेकिन फॉर्मेट कहाँ होती है, ये लीवर में यूरिया। उसी टाइप से यहाँ पे आर्टरी दे रखे, तो हमने पता है कि धमनी और शुद्ध रक्त लाने का काम करती है। तो ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, एक आर्टरी और एक वेन, और एक क्या होगा जिसमें कैनाई खुली आके खुलेगी, तो यहाँ पे है ना इंटरलोबुलर बाइल डक्ट दे रखा है, जिससे ये बाइल से बाइल जूस को सिक्रेट करने का काम करेगी। अब मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि सिनोसॉइड में जो भी ब्लड रहेगा, ये ब्लड किस टाइप से सिक्रेट होगा, मतलब किस टाइप से ये हार्ट तक जाके शुद्ध होने के लिए जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सिनोसॉइड से जो भी ब्लड है वो ब्लड कहाँ आएगा, यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे, इन छिद्रों के द्वारा सेंट्रल वेन में। अब सेंट्रल वेन में आने के बाद में ये हेपेटिक वेन में जाएगा, और हेपेटिक वेन से ये कम्स आउट ऑफ लीवर, लीवर से बाहर, और बाहर जाके किसको खुलेगा, इन्फीरियर वेना कावा। वेना कावा होती है वो महाशिरा होती है, महाशिरा सारा का सारा ब्लड लेके कहाँ जाती है, हार्ट तक, और हार्ट है वो अशुद्ध रक्त को लेके लंग्स तक जाएगा, जो हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे। तो यहाँ पे वेना कावा है वो अशुद्ध रक्त को हार्ट तक लेके गई, और हार्ट लंग्स में उसको क्या करेगा, प्योरीफाई करने का काम करेगा। तो इस टाइप से आप लोग ये हेपेटिक लोब्यूल है उसका डायग्राम समझ लीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।